नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भारत, जय बिहार। मेरा नाम है विकास कुमार। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में गौतम पंजारा जी हैं। गौतम पंजारा जी नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से सर बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, और ऐसे में आप खुद को कहां पर देखते हैं? मैं अपने आप को रोजगार के प्रति समर्पित चाहता हूं। मेरी लड़ाई किसी दल या राजनीति दल से नहीं है, मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हूं और मैं अपनी जीत की कामना रखता हूं। आपके क्षेत्र में सर देखा जाए तो, खासकर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जगदीशपुर पड़ता है, और जगदीशपुर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग जो है किसान लोग वर्ग के ज़्यादा लोग हैं, तो किसान वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ सोचते हैं? किसान को अभी समुचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, किसानों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था होनी चाहिए किसानों का भलाई के लिए। और खासकर देखा जाए अभी जो है एक बेरोजगार की जो है लहर चली है, बेरोजगार खासकर, तो बेरोजगार को रोजगार में कैसे परिवर्तित कर पाएंगे अगर जीतते हैं तो? राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी रोजगार के लिए समर्पित है। रोजगार के लिए नए नए उद्योग फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, जिससे कि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले। वो 10,000-15,000 नौकरी के लिए अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, प्रदेश छोड़ना पड़ता है, तो वो उसको यहीं पे अगर वो प्राइवेट नौकरी मिल जाए तो वो क्यों दूसरे प्रदेश में जाए, क्योंकि दोनों जगह एक ही व्यवस्था है। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए रोज़गार मुहैया की ज़रूरत है। आपके क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभावान बच्चे हैं, खेल कूद में भी वो आगे जाते हैं, उसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो प्रतिभावान बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ प्लानिंग आपके पास अगर आप जीत जाते हैं तो? ऐसे बच्चों की प्रतिभा को उजागर करेंगे, उसको आगे तक पहुंचाने के कष्ट करेंगे। कृषि को लेकर देखा जाए तो हमारा जो देश है सर, कृषि प्रधान देश है, कृषि आधारित देश है। आपके जगदीशपुर के साइड खेती से जुड़े लोग, किसान वर्ग के जुड़े लोग हैं, तो खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई प्लानिंग आपके पास? खेती को बढ़ाने के लिए समुचित सिंचाई व्यवस्था, उन्नत बीज की व्यवस्था, ये हम करने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं एक सवाल और कि नाथनगर विधानसभा की जो जनता है वो आपको क्यों वोट करे? रोजगार को लेकर, कृषि को लेकर, और महिलाओं के लिए गरिमा हेल्पलाइन होनी चाहिए। महिलाओं देखा जाए तो महिलाओं को लेकर खासकर हमारा जो शहर है यहाँ पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है, लेकिन जगदीशपुर में इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा आपको, आप कीजिएगा? महिलाओं के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था करूँगा, जिससे कि घरेलू हिंसा में कमी आवे। देखा जाए तो महिलाओं के साथ अक्सर जो है घर में मारपीट की समस्याएं होती है, प्रताड़ित किया जाता है, क्या वो आपका जो हेल्पलाइन नंबर रहेगा वो काम करेगा सही से? गरिमा हेल्पलाइन, तो उसी के लिए तो गरिमा हेल्पलाइन की व्यवस्था करनी है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए गौरव पंजारा जी, और आपकी जो आगे की यात्रा है वो उसके लिए शुभकामनाएं और बधाई भी आपको। और मैं भी चाहूँगा कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि कोरोना का काल चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करते हुए, विशेष सावधानी बरतते हुए मतों का प्रयोग कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाएँ। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा गौतम पंजारा जी से बातचीत देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।